बिलासपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है, जहां रेलवे पुलिस के हत्थे दो मानव तस्कर चढ़ गए। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से दो महिलाओं को छुड़ाया है। दरअसल आरपीएफ की टीम दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस में गश्त कर रही थी, तभी दो लोगों की गतिविधियों में संदिग्ध लगी। जिनके साथ दो महिलाएं भी थी, जो उन्हें ठीक से नहीं जानती थी। आरपीएफ की टीम ने चारों को अनूपपुर स्टेशन पर उतारा। महिला आरपीएफ की मौजूदगी में महिलाओं की काउंसलिंग कराई गई और तब कहीं जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद आरपीएफ की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। दोनों आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे जयपुर से महिलाओं को 20-20 हजार रुपए में बेचने की योजना जयपुर में बनाई जा रही थी। आरपीएफ ने इसकी सूचना रायगढ़ पुलिस को दी और कार्रवाई शुरू कर दी है। वहाँ पे हमने जब पूछताछ की तो इस प्रकार की बात सामने आई कि वो अपनी इच्छा के बिना जा रही हैं। फिर चारों को अनूपपुर स्टेशन में उतारा गया। जब उनको पोस्ट लाया गया तो फिर ये पता चला कि उनको जो दो लोग थे वो उनको बेचने के हिसाब से और 20-20 हजार रुपए की कुछ बात चल रही थी उनकी, और उनको राजस्थान साइड ले जा रहे थे, वो जयपुर तक ट्रैवल करने वाले थे। जब आरपीएफ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने लोकल भी पुलिस को इन्फॉर्म किया, जीआरपी को इन्फॉर्म किया, और चूंकि लड़कियां रायगढ़ और जशपुर साइड की थी तो उनको उस जिले में भी इन्फॉर्म किया गया। बाद में धर्मजयगढ़ से मतलब पुलिस की टीम आई, और जब पुलिस की टीम आई तो फिर उन्होंने अपराध भी कायम किया हुआ था 363 में, और उसके बाद फिर फाइनली उनको हैंडओवर आरपीएफ ने किया।